कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 72 साल। इन दोनों में से स्पेशल कौन सी खीर है? स्पेशल तो अस्सलाम वालेकुम। आप में से कितने लोग हैं कि जिनको पता है कि जिस खित्ते, जिस गांव, जिस गोठ, जिस कस्बे, जिस शहर में वो रह रहे हैं उसकी तारीख क्या है, उन जगहों का नाम कैसे पड़ा, उसकी तारीख क्या है, उनका मतलब क्या है? जैसे कि गुजरहान को गुजरहान कब से कहना शुरू हुए, रवात की तारीख क्या है, चकबेली को चकबेली क्यों कहते हैं, रावलपिंडी का मतलब क्या है, रावलपिंडी को रावलपिंडी क्यों कहते हैं और कब से कहना शुरू हुए। इस तरह से बहुत सी ऐसी जगहें होंगी जो कि अनएक्सप्लोर्ड होंगी, जो कि कुछ ऐसे बुनियादी सवालात हैं जो शायद आप खुद से भी नहीं करते। आपका अपना शहर रावलपिंडी, जहाँ पे आपने जन्म लिया, जहाँ पे अपनी ज़िंदगी की कितनी बहारें गुजारी हैं, नशेबो फराज देखे, शायद इस शहर की भी कुछ ऐसी अमारात ऐसी हैं कि जिसकी तारीख आपको शायद पता ना हो। आपको शायद इस बात का इदराक ज़रूर हो कि जिन जगहों के मैं नाम ले रहा हूँ या जहाँ पे मैं आपको ले के जाऊँगा वो कहाँ पे पाई जाती हैं, लेकिन शायद आपको उसकी तारीख पता ना हो। तो आएँ कुछ ऐसी जगहों पे चलते हैं और मैं कोशिश ये करूँगा कि जैसा मैं ख़ुद वहाँ पे जाके महसूस करता हूँ ऐसी तारीखी जगहों पे, मैं कोशिश ये करूँगा कि आप भी थोड़ी देर के लिए इस हसल एंड बसल से, इस शहर की रौनक से निकल के वही चीज़ें, वही सब कुछ आप मेरे साथ महसूस करें। तो चलें चलते। Slide left onto Murray Road, then turn left onto Babra Bazaar. In 400 meters, turn right. Babra Bazaar, जो कभी खूबसूरत झरोकों और शानदार फन तामीर से मुजयन था, अब ट्रैफिक और गैर कानूनी तजावजात की भरमार का शिकार हो चुका है। बाजार के रश में आपको यह फन तामीर के अजूबे कहीं कहीं शिकस्ता हालत में नज़र ज़रूर आते हैं। खूबसूरत नक्शो नगार से मुजयन लकड़ी के दरवाज़े और राहदारियाँ आपको कुछ वक्त के लिए माजी के झरोकों में ले जाती हैं। भाबड़ा बाज़ार, जो कि करिश्माती फन तामीर से मुजयन एक वक्त का अमीर और खुशहाल तरीन इलाका था। भाबड़ा संस्कृत का लफ्ज़ है जो कि जैन मज़हब के पैरोकार ताजर थे। भाबड़ा ताजर और सुनार थे कि जो मौजूदा सराफा बाज़ार और मोती बाज़ार में कभी अपना कारोबार किया करते थे। खुशहाल बाबड़ा अमरा की इमारत, उनकी शिकस्ता हवेली के दरो दीवार में अब भी उखड़ते सांस लेती नज़र आती है। 47 के बंटवारे ने सिखों और हिंदुओं के अलावा रावलपिंडी के भाबड़ा को भी अपनी पुरशकू हवेलियां छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनकी जगह लुधियाना, दिल्ली और फिरोजपुर के हिजरत करने वालों ने इन गलियों में सकूनत इख्तियार की। भाबड़ा की गलियों में घूमते हुए आपको ओम के निशानात और जैन मज़हब की जे जिनोरा आपको मुख्तलिफ इमारतों में नज़र आते हैं। इन्हीं गलियों में घूमते हुए और अहदे रफ्ता के उन लोगों को उन पुरानी गलियों में सांस लेते हुए जब आप अचानक तंग मोड़ मुड़ते हैं तो एक खुले अहाते में आपको एक कदीम और पुरशकू इमारत का सामरीपन पूरी आबोताब से नज़र आता है, जिसकी शिकस्ता दीवारों के दरमियान आप ख़ुद को अचानक से अजनबी और शशदर महसूस करते हैं। ये है हवेली सोजान सिंह, जिसको कभी सोने, हाथी दांत और दीदा जेब लकड़ी से तामीर किया गया था। हवेली सोजान सिंह, जिसको आज से 129 साल पहले 1893 में राज बहादुर सोजान सिंह ने बनवाया था,
सुजान सिंह अपने वक्त का अमीर तरीन रईस था। हवेली के दाखिली दरवाजे में वक्त की सख्तियों और रेशा दवानियों के बावजूद एक अजीब रऊनत और जाहो जलाल नज़र आता है। महंगी और नायाब तरीन लकड़ी से बना यह दरवाज़ा अपने अंदर ना जाने कितनी दास्तानें और राज पिन्हा किए हुए है। दाइनी तरफ गालबन मेहमान खाना है, जो ना जाने कितने अशरों से किसी मेहमान के इंतज़ार में है, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे वहशतें हर रोज़ कुफल से सर पटक के खामोश हो जाती हैं और अपने मकीनों की लाहासल तलाश में मगन रहती हैं। रावलपिंडी, जिसको किसी वक्त में बहुत से दरवाज़ों की वजह से जाना जाता था, लेकिन सब के सब दरवाज़े वक्त की गर्द में कहीं गुम हो गए। सैदपुरी गेट की बाकियात बहरहाल इस आखिरी मौजूद दरवाज़े की रुदाद राहगीरों को ज़रूर सुनाती हैं। कदीम हवेलियों, इमारतों, झरोकों के अलावा बाबड़ा बाज़ार की एक वजह पहचान इसके साउथ एशियन खाने भी हैं। अमृतसरी और कश्मीरी कुलचे और चाट, जो पुराने दिल्ली का जायका लिए हुए हैं। खीर और मिठाई, हलवा पूरी और कचौरियाँ, जो कि लाहौर के खानों से भी बेहतर हैं। ताज़ा दही भल्ले और चना चाट, जो कि ताज़ा मीठे दही और चटनी से बनते हैं। लाजवाब दही भल्ले सेंटर की पहचान है। 76 साल पुरानी बशीर हलवाई की दुकान को उनके पोते अवैस साहब चला रहे हैं। तारीख का ये खूबसूरत और सुनहरी बाब तेज़ी से बढ़ती आबादी, तजारती तरक्की और हुकूमत की अदम तवज्जा की वजह से अब दिन ब दिन कहनाता और मिटता जा रहा है। इधर ये सामने, इधर ये ऊपर रखिए गया, बन गया ना यहाँ पे सामने। अंकल, कितनी पुरानी दुकान है, कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 74 साल। 74 साल, अच्छा। आपसे पहले कौन चला रहा था? मेरे दादा थे, दादा के बाद दादा वाले थे। अच्छा, अब हम हैं, हमारे बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। नाम क्या है जी आपका? अवैस। अवैस सर,
कितनी पुरानी है दुकान आपकी? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। कितनी पुरानी दुकान है जी आपकी? 1976। अच्छा, आप ही चला रहे हैं? अच्छा, वाले साहब ने डाली थी, अब चल गए सिलसिला आगे। अच्छा, इन दोनों में से स्पेशल कौन सी खीर है? स्पेशल तो जो 12 महीने होती है वो सफेद खीर है, ये वाली। अच्छा, ये जो गाजर वाली होती है ना, ये 3 महीने जब तक गाजरें हैं। अच्छा, तो इसकी डिमांड ज़्यादा होती है सर्दियों में। अच्छा, ये स्पेशल डिश है तो मतलब है कि स्पेशल के यानी कि सर्दियों के दिनों में मतलब चलती है ये। सही है। ये किस तरह किलो है? ये 400 रुपये केजी, ये भी 400 है। आधा किलो ये पैक कर दें। शहरे दिल में अजब मोहल्ले थे, उनमें अक्सर नहीं रहे आबाद। शहरे दिल में अजब मोहल्ले थे, उनमें अक्सर नहीं रहे आबाद, उनमें अक्सर नहीं रहे आबाद।